ऐसा कोई वैज्ञानिक आधार या प्रमाण नहीं है कि बच्चों के भारी भरकम बस्ते गुणवत्ता युक्त शिक्षा की गारंटी हैं, पर ऐसा माना जा रहा है या मानने के लिए बाध्य किया जा रहा है। मजेदार लेकिन दुख की बात यह है कि लोग अपनी गाढ़ी कमाई का बड़ा हिस्सा ऐसा मानने में खुशी खुशी खर्च कर रहे हैं। यही कारण है कि विद्यालय फायदेमंद कारोबार बन गया है और पालक सोने की अंडे देने वाली मुर्गी बन गई है। ऐसा आभामंडल रच दिया गया है कि एक बार बच्चा शिक्षा की उस ऊंची दुकान की देहरी पर चढ़ गया तो उसके पुरखों तक का सर्व कल्याण हो जाएगा। यह ऐसा चक्रव्यूह है जिसमें घुसना तो हर अभिमन्यु को आता है, पर निकलने की राह किसी को मालूम नहीं होती। शिक्षा की ऊंची दुकान चलाने वाले शिक्षकों की कितनी परवाह करते हैं यह तब पता चल गया जब शासन की अपील और आदेश के बाद भी फीस वसूलने और शिक्षकों की तनख्वाह काटने की खबरें आई। ऐसी खबरें आई हैं कि रायपुर के कुछ स्कूलों को भी नोटिस दिया गया है। शिक्षा के नाम पर सरकारी स्तर पर भी कोई कम प्रयोग नहीं हुए हैं या हो रहे हैं, वह भी बाजार की चाल भांप कर कदम ताल करवा रही है। आंकड़े तो सुखद हैं, पर हकीकत कितनी सच्ची है यह कौन जानता है। पढ़ाई तुम्हार द्वार गजब का स्लोगन है। उद्देश्य है लॉकडाउन में हुई पढ़ाई की बर्बादी को इस प्रयोग से बचाना। यह ऑनलाइन शिक्षण प्रणाली है जिसमें सबसे ज़्यादा जरूरी है बच्चों के पास एंड्रॉयड फ़ोन या लैपटॉप जैसे उपकरणों का होना। जिनके पास ये यंत्र हैं उनके लिए इंटरनेट का कनेक्शन होना भी आवश्यक है। छत्तीसगढ़ का कितना हिस्सा इंटरनेट से जुड़ा हुआ है यह शासन को भली भांति मालूम होगा। गाँवों में नेटवर्क की दशा कैसी है यह भी बताने की आवश्यकता नहीं है। यह पद्धति सिर्फ ऊंची कक्षाओं और बेहतर कनेक्टिविटी वाले क्षेत्रों के लिए उपयोगी है। रही बात पंजीयन के आंकड़ों की तो दिल बहलाने के लिए ख्याल अच्छा ही है। यह सच बहुत कसैला है, बहुतों के मूड का जायका बिगाड़ने वाला भी है। जमीनी हकीकत तो रिपोर्ट कार्ड भी खराब करने वाली है। कैसे उम्मीद की जाए कि ग्रामीण इलाकों के पिता अपने एंड्रॉयड फ़ोन को पढ़ने के लिए बच्चों को थमा देंगे। और सबसे बड़ी बात है इन दिनों माहौल न पढ़ने का है और न पढ़ाने का। वैसे भी जो चीज़ घर के दरवाजे तक ला कर दी जाए लोग उसका मोल कुछ नहीं समझते। एक अच्छा मकसद भी दो कौड़ी का हो जाता है, चाहे वह राशन हो या फिर शिक्षा। अर्जित करने में श्रम की आवश्यकता होती है और परिश्रम का परिणाम सुखद। बेहतर हो योजनाकार अब अगले शिक्षा सत्र के विषय में विचार करें। खबर है केंद्र स्तर पर कोर्स कम करने विमर्श हो रहा है। कोरोना के कारण लगता है शिक्षण सत्र का प्रारंभ भी विलंब से होगा, इसलिए विलंब की भरपाई को समय सीमा में पूरी करने के लिए आवश्यक विषयों की कटौती अच्छी है। वैसे भी बस्ते का बोझ कम करने के विषय में रणनीति बनाने का यह बेहतर अवसर है। राज्य शासन भी उसी दिशा में विचार करें।